ऑडी ए सिक्स। जी हाँ, बहुत लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था ऑडी की तरफ से एक धमाके का, और ठीक दिवाली के समय पे वो फेस्टिव धमाका है जो ऑडी ए सिक्स के रूप में इस वक्त बाजार में आ चुका है। और हमारी खुशकिस्मती इस वक्त हमारे साथ ऑडी इंडिया के हेड बलबीर सिंह ढिल्लों जी हमारे साथ मौजूद हैं। बलबीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपको भी धन्यवाद, आप यहाँ आए, आप नए प्रोडक्ट देखने के लिए आए। हमारी भी बहुत एस्पिरेशंस थी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की इंडिया में, और आप आए हो इसके लिए हम भी आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। सर, ए सिक्स की अगर बात करें, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं एस यू वीज और सेडान को लेकर भी आजकल लोगों में कश्मकश चल रही है। उस माहौल को देखते हुए आपके क्या टारगेट्स हैं? What are you thinking that A6 will be able to do for the market? मैं खाली आपको कुछ और भी फिगर्स देता हूँ इसमें। हम तकरीबन जितनी भी गाड़ियाँ हम बेचते हैं 20% A6 के सेगमेंट में बेचते हैं। हमारी आज मार्केट में कुछ 75,000 गाड़ियाँ हैं जो कस्टमर चला रहे हैं, जिसमें से 15,000 गाड़ियाँ A6 हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। हर पाँचवीं गाड़ी अगर हम जो बेचते हैं वो A6 की कैटेगरी की गाड़ी है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सेगमेंट है ये। और आप देखो, जो जो इस सेगमेंट के जो ख़रीदार हैं वो ऐसे लोग हैं जो बिजनेसेस करते हैं, जो काफ़ी बिजी रहते हैं और वो हर रोज़ गाड़ी नहीं चला पाते हैं। तो तकरीबन वो आपको उनको देखा होगा गाड़ी के पीछे बैठते हैं और उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है। तो ये वो गाड़ी है जो आप वीक डेज़ में आपका ड्राइवर चलाता है और आप पीछे बैठते उसका आनंद लेते हो, और जब आप वीकेंड आपके पास एक या डेढ़ दिन का खाली टाइम होता है अपनी फैमिली के साथ जाके इसको कुछ चला के उसका आनंद लेते हो। तो दिस इज़ टू कार्स इन वन, दैट्स इज़ व्हाट वी आर फेमस फॉर एंड दैट इज़ व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग। तो एक गाड़ी के अंदर दो गाड़ियां हैं, आप चलाओगे तो भी मज़ा आएगा और पीछे बैठोगे तो और आनंद आएगा। सर, ऑडी A6 के लिए एक कस्टमर के लिए सबसे बड़ा USP क्या होगा कि वो शोरूम जाए और गाड़ी को अपने गैरेज तक पहुँचाए? देखिए, हम हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल है इसका आंसर देना एक में, बिकॉज इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको अगर मैं एक ही चीज़ में बताऊंगा तो वो दूसरी चीज़ों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। बट फिर भी अगर आप बोलते हो एक सिंगल रीज़न है, तो आप सबसे पहली चीज़ जो आंखों को दिखती है वो गाड़ी की लुक्स, चाहे वो अंदर से हो चाहे बाहर से। तो सबसे बड़ा जो USP गाड़ी का है वो उसकी लुक्स हैं। जब पहला इंप्रेशन आपको देता, आज जो हमारा कस्टमर है वो गाड़ी अपनी, उसकी ये एक्सटेंडेड पर्सनैलिटी है। हमारे कस्टमर जो हैं बहुत ही एस्पिरेशनल कस्टमर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, जो जो जिन्होंने अपने कैरियर में बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो कार को अपनी लाइफ का एक एक्सटेंशन मानते हैं। तो उनके लिए गाड़ी के जो जो भी हम चीज़ें लाते हैं गाड़ी के अंदर, उसको उनको यूज़ करना और उनको यूज़ करके अच्छा महसूस करना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे लिए जो हम गाड़ी लाते हैं। तो आई थिंक अगर आप खाली एक चीज़ पूछते हो तो मेरे लिए बड़ा सिंपल, जो आंखों को दिखता है वो बिकता है। राइट, तो व्हाट इज सीन फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड इज व्हाट इज सेलिंग। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ इंजन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार्स, द फिनिश ऑफ द लेदर इनसाइड, एवरी थिंग इफ यू सी इन द कार इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन जैसा आपने बोला, एक चीज़ तो लुक्स फैंटास्टिक। सर, इफ़ आई मे कम बैक टू द इंडियन मार्केट, बिकॉज इंडियन मार्केट इज़ नॉट डूइंग ग्रेट एज ऑफ नाउ एंड इट्स अ टफ टाइम फॉर इवन फॉर लग्जरी कार मार्केट विच इज़ नॉट सो बिग वैन वी कम्पेयर इट टू चाइना और अदर इंटरनेशनल मार्केट। सो वट इज़ गॉन बी योर प्लान, वट इज़ गॉन बी योर स्ट्रैटेजी टू गेट द लग्जरी कार मार्केट सो एज टू से इंक्रीज द मार्केट एक्सपैंड, और वट वुड बी योर स्ट्रैटेजी, वट इज़ द राइट वे टू गो? तो जो हमारा प्लान है, हमने अपने डीलर्स के साथ, अपने हेडक्वार्टर के साथ और अपनी टीम के साथ मिलके स्ट्रेटजी बनाई है, जिसको हम स्ट्रेटजी 2025 बोल रहे हैं। तो अगले 6 सालों के लिए हमें क्या करना है, कौन से नए प्रोडक्ट लाने हैं, कहाँ कहाँ हमने डीलरशिप्स में एक्सपेंड करना है। तो आपने देखा होगा कि हम वर्कशॉप फर्स्ट स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि टाउन बी और सी सेगमेंट टाउन्स में, जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं बिकती हैं बट ऑलरेडी कुछ कुछ गाड़ियाँ बिकी हुई हैं और काफ़ी कस्टमर हैं ऑलरेडी वहाँ पे, तो उनके लिए हम वर्कशॉप उनके घर तक लेके जाएंगे ताकि वो उनको गाड़ी को ओन करने की आसानी हो। तो ये एक अप्रोच हमारी रहेगी। दूसरा, जो हम एक ऑडी अप्रूव्ड प्लस एक हमारा वर्टिकल है, जिसमें मतलब हमारी ये चाहत है कि हम एक गाड़ी को एटलीस्ट 2 बार बेचें। उसका मतलब ये है कि आपने अगर आज हमारी नई गाड़ी खरीदी, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आप नई गाड़ी खरीदोगे, हो सकता है हमारी खरीदो, हो सकता है कोई और खरीदो, लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी बेचोगे, तो उस टाइम भी हम आपके पास आएंगे, आपको आसानी देंगे कि आप हमारे को दो, हम
पीसफुली आपकी वो गाड़ी लेते हैं और आप जो भी आपको खरीदना है, हम चाहेंगे कि आप दोबारा ऑडी खरीदो, बट फिर भी अगर आपका मन है कुछ और खरीदने का तो मोस्ट वेलकम, बट हम वो गाड़ी दोबारा बेचेंगे। तो हम जैसे अभी एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम लाएंगे, फिर हम आज बहुत सारा हमारा ऐसे भी लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास के हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, वो भी गाड़ी खरीदने की एस्पिरेशन रखते हैं, तो उनके लिए जैसे 7 साल की EMI प्रोग्राम है। तो हम धीरे धीरे अपना बेस बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारा आइडिया रहता है कि हम कितना बेस बढ़ा सकें, उसमें जितने ज़्यादा कस्टमर हमारी गाड़ी खरीद पाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा, उतना ही हम एक्सपेंड कर पाएंगे। आपको ये भी एक चीज़ देखनी होगी, गवर्नमेंट मतलब यहाँ हम थोड़ी बहुत हेल्प गवर्नमेंट की भी कभी कभी चाहते हैं, बिकॉज गाड़ियों में टैक्स बहुत होता है और लग्जरी गाड़ियों में और ज़्यादा टैक्स होता है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट टैक्स ले, बिकॉज टैक्स से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज आते हैं और आगे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट ये भी एक फैक्ट है कि अगर कोई कस्टमर आज लग्जरी सेगमेंट का नहीं है और वो किसी और सेगमेंट से ऊपर अपने आप को अपग्रेड करता है, तो एक गाड़ी जो लग्जरी बिकती है उसमें गवर्नमेंट को ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स मिलता है। Correct. तो अगर गवर्नमेंट प्रमोट करती है इन लग्जरी गाड़ियों को तो गवर्नमेंट भी इसमें बेनिफिट होगी, जितना बेनिफिट वहाँ मिलेगा वही वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम इंडिया स्टोरी को और आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि GST और सेस पे अगर थोड़ा सा नरमी बरती जाए तो सेगमेंट के लिए फ़ायदा हो सकता है? तो गोज विदाउट सेइंग, ये तो अगर GST में या सेस में कुछ भी बेनिफिट होगा वो कस्टमर को पास ऑन होता है, तो उससे वॉल्यूम बढ़ेगा ही। अगर आप देखो GST में जो सेस लगाया वो गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए लगाया था, उसमें 2 साल निकल गए हैं, तो हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि या वो बचे 3 साल को या तो 2 साल कर दें या 1 साल कर दें, बट 3 को 4 मत करें आगे, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और ये सेगमेंट भी और बढ़ सके। सर ये तो रही थी प्रेजेंट की बात, लेकिन अगर फ्यूचर की बात करूँ, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हाइब्रिड गाड़ियों की बात कर रहे हैं, ऑडी A6 सिर्फ पेट्रोल में, तो क्या डीजल का फ्यूचर जो है वो अंधकार में है इस वक्त? देखिए ऐसा है कि हमें अभी हम जो गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं एटलीस्ट 2020 तक हमारी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, जो भी नए गाड़ियाँ हम यूरो BS6 की लेके आएंगे वो पेट्रोल से शुरू करेंगे। हमने डीजल को बंद कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग, शायद हम नहीं लाएंगे, बट उसको बिल्कुल बंद कर दिया ऐसा नहीं है, अभी हम उसको विचार कर रहे हैं। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे प्लग इन हाइब्रिड्स, तो सेम गाड़ियों में प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन आती है, वो भी टेक्नोलॉजी हम ई-ट्रॉन लेके आएंगे अगले साल। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो रहेंगी, बट हम बहुत ही फोकस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं अगले साल एटलीस्ट फोकस करने के लिए पेट्रोल की तरफ, बट हमने बिल्कुल बंद कर दिया सोचना ऐसा नहीं है, बट हम और भी ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी को लाने का सोच रहे हैं। सर लॉन्च के वक्त पे आपकी एक इंटरेस्ट तो हमें समझ में आ गया, वो था क्रिकेट, जो आपने कहा कि आप खुद विराट के इतने बड़े फैन हैं और Absolutely. विराट इज काइंड ऑफ अ वेरी गुड ब्रांड एम्बेसडर हु जेल विद ऑडी बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस एंड एनर्जी दैट इट ब्रिंग्स ऑन द टेबल, स्पोर्टिनेस, प्रोग्रेसिवनेस, एंड वो विराट इज अ परफेक्ट मैच इफ आई से फॉर ऑडी। अगर ये तो थी आपकी एक क्रिकेट पसंद जो आपने बताया, इसके अलावा हमने सुना है कि आपको और भी मूवीज़ वगैरह में भी रुचि रखते हैं, जाते जाते अगर हमें ये पता लग जाएगा ना कि एज अ पर्सन व्हाट इज थिंग दैट इंटरेस्ट यू अदर देन क्रिकेट? भाई देखो हम हिंदुस्तानी हैं तो सबसे पहला काम ऐसा कि हम हिंदुस्तानी, हम इमोशनल हैं, तो अगर हम जर्मनी जाते हैं वो तो जीरो की ज़िंदगी समझ आती है उनको, एक की समझ आती है, देर इज़ नथिंग इन बिटवीन जीरो एंड वन। एंड हिंदुस्तान में हम सब अदर टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ग्रे एरिया में रहते हैं, तो इसका मतलब हम इमोशनल लोग हैं, तो म्यूज़िक सबसे पहले आता है इमोशंस में, तो म्यूज़िक मेरी भी पसंद है, मैं भी बहुत तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी म्यूज़िक सुनता हूँ और अंग्रेज़ी भी सुनता हूँ, तो म्यूज़िक एक मेरी चाहत है, जब भी मुझे टाइम मिलता है जो भी टाइम मिलता है उसमें मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, कभी कभार जब वक्त मिलता है मूवीज़ भी देख लेता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो ये मेरी पसंद है। फेवरेट मूवी आपको याद है आपकी? फेवरेट बताता हूँ, लास्ट नहीं बताऊँगा, आई थिंक मेरी एक बहुत फेवरेट मूवी है जिसको 3 इडियट्स बोलते हैं, और मैं ये मूवी कम से कम 25-30 बार देख चुका हूँ। क्या बात है। और जब भी मौका मिलता है 1.5-2 घंटे होते हैं मूवी देख लेता हूँ, इससे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और बहुत ही उम्दा एक्टिंग हुई थी इस मूवी में जो मैं हमेशा रिलिश करता हूँ, और ये पसंद है। सर इसी पे जाते जाते लास्ट में मैं बात कह सकता हूँ कि ऑडी A6 आने से मार्केट को ज़रूर मोटिवेशन मिली है, और उम्मीद करते हैं कि लग्जरी कार मार्केट जो है ऑडी A6 के आने से थोड़ी वो जो जान जो फेस्टिव सीजन में आई ना वो आगे भी देखने को मिले। एब्सोल्युटली, वी विल कंटिन्यू टू पुश, हम अपनी तरफ से जितनी हो सकेगा पूरे सेगमेंट को बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहेंगे, हमारे डीलर नेटवर्क पार्टनर को मोटिवेट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमारी ये कोशिश रहेगी विद माई हेडक्वार्टर्स कि हम नए नए प्रोडक्ट लेके आएँ,
नॉट जस्ट नए प्रोडक्ट, नई नई सर्विसेज लेके आए हैं, जैसे कनेक्टेड कार्स, ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट नहीं है. सो ये ऐसी और कितनी सर्विसेज ला सकते हैं जिससे हमारे कस्टमर खुश रहें और हम फ्यूचर, जो फ्यूचर में आने वाली चीज टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम इंडिया में लाते रहें. फैंटास्टिक सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल ये, क्या आपको ऑडी का कोई भी लास्ट कैंपेन याद है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपका सबसे पसंदीदा ऑडी का कैंपेन? कस्टमर टू फैन. कस्टमर टू फैन, द जर्नी फ्रॉम अ कस्टमर टू फैन. So I want all my customer to become my our fan. Wow. That is my best. Wow. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Pleasure talking to you. Pleasure. Thank you.